हेलो एवरीवन, दिस इज कनेक्शन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम परमी 8.1 को। इसमें क्या कहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये आपको परमी सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज की बात करी है तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, जैसे कि ये आपका बन गया। देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज को हमने इसमें ए बी सी डी नाम दिया है और यहां पे एक समांतर चतुर्भुज मिल गया है हमें। समांतर चतुर्भुज वो जिसकी आप होता क्या है इसमें कि ये जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। मतलब ए बी जो होगी समांतर होगी सी डी के और ए डी जो होगी समांतर होगी बी सी के, और साथ ही आपस में क्या होती है, बराबर भी होती है। मतलब ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर क्या होती है, बी सी। ये क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की एक जो है गुण है वो हमने आपको बता दिए हैं। फिर उसमें उन्होंने क्या कहा, एक विकर्ण की बात करी। हम एक विकर्ण भी खींच लेते हैं, हम ले लेते हैं ए सी। ठीक है, ए सी विकर्ण हमने ले लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया है लिख लेते हैं, दिया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। भाई एक समांतर चतुर्भुज दिया है, साथ ही उसका विकर्ण भी कह सकते हैं, तथा उसका एक विकर्ण, तथा विकर्ण ए सी है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा विकर्ण ए सी है, ये आपको दिया हुआ है। अब हमें जो सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध जो हमें करना है वो है कि दो सर्वा इन्होंने कहा ना कि विकर्ण जो है वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है समांतर चतुर्भुज को। मतलब ये जो विकर्ण के द्वारा बने त्रिभुज हैं कौन कौन से, एक तो ये त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और एक आपका हो जाएगा ये सी डी ए, जो है दो त्रिभुज हैं। तो ये किसको क्या कर, इसको क्या करता है, ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये क्या है, सर्वांगसम है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए के प्रमाण। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं अब हम उनको लेकर चलते हैं और उनमें अब हम देखते हैं कि क्या क्या जो है बराबर है उनमें। अब जैसे हम देखते हैं ए बी सी और सी डी ए में, अब ए बी सी में ये देखिए ए बी जो है वो किसके, सी डी के बराबर है एक बात, बी सी जो है आपकी ये डी ए के बराबर है, और आपका ए सी बराबर क्या है सी ए के, मतलब ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ है। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में, पहले ए बी सी में ए बी बराबर किसके, सी डी के है, ए बी बराबर सी डी, और ब्रैकेट में इसका आपको कारण भी देना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान होती है। यह आपको इसका कारण भी देना है। अब ए बी सी डी के बराबर हो गया, साथ ही क्या होगा, अब यहां पे इस वाले में ए बी सी में देखिए त्रिभुज में ये जो बी सी है वो किसके बराबर है, डी ए के, बी सी बराबर है डी ए के, और यहाँ पे भी यही कारण होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान होती है। साथ ही अब ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ, ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में क्या है कॉमन है ये भुजा, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के,
ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कौन सा गुण हो गया यहाँ पे सर्वांगसम तक नियम, भुजा भुजा और भुजा, तो ये हो गया ना एस एस एस, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हम एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, ये आपका हो गया एस 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 सर्वांग समता नियम से आप कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज सीडीए के। और आपको यही सिद्ध करना था कि क्या एक विकर्ण जो है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। हैंस प्रूफ इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज सीडीए। आप आगे लिख भी सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि जो कर्ण एसी है वो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज सीडीए को दो सर्वांगसम मतलब ये इसको ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसमें यहाँ पे प्रमेय 8.2 को, और इसमें कहा है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी डी। तो ये आपको समांतर चतुर्भुज गिवन है, दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ सम्मुख भुजाओं को बराबर करना होगा। ये पहले वाले प्रमेय की ही तरह होगा, बस इसमें क्या है, इसमें समांतर चतुर्भुज जो है कहा गया है, समांतर चतुर्भुज तो है लेकिन अब क्या है सम्मुख भुजा बराबर नहीं दी, मतलब कि हमें बराबर सिद्ध करनी है। इसका मतलब हम समांतर चतुर्भुज के केवल एक गुण को हम इसमें उपयोग कर सकते हैं कि जैसे समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होती है समांतर होती है, और आप जानते हैं बराबर भी होती है, लेकिन बराबर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये ले लेते हैं और साथ साथ हमें कर्ण विकर्ण जो है इसको एसी को खींच लेते हैं, ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है एक समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी, ठीक है, तथा एक विकर्ण, तथा विकर्ण ए जिस तथा जिसका विकर्ण ए सी है, इतना आपको दिया हुआ है। भाई विकर्ण तो हम खुद से खींच लेते हैं, और उसके बाद जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, मतलब ए बी बराबर किसके, सी डी के, ए बी बराबर सी डी, और साथ साथ बी सी बराबर डी ए के, ए डी के बी सी बराबर डी ए के, ये आपको सिद्ध करना है, प्रमाण प्रूफ। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो क्या होगा, हम इनके फिर संगत भाग को बराबर कह देंगे, और जिससे ये दोनों मतलब ये जो आपका जो है सिद्ध हो जाएगी, भुजाएं बराबर होती हैं सम्मुख भुजा। तो अब यहाँ पे इसको सर्वांगसम सिद्ध कैसे करें, पहली बार तो हमने जब प्रमेय 8.1 करी थी यहाँ पे क्या करा था, ए बी जो है मतलब ये भुजा बराबर थी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और एसी बराबर एसी उभयनिष्ठ, तो हमने एस 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 सर्वांगसमता नियम जो है लगा लिया था। अब लेकिन यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे तो इस तरह से नहीं है, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं जैसे ए बी जो है समांतर है किसके, सी डी के। अब ए बी समांतर है सी डी, देखिए ये ए बी साइड हो गई और ये सी डी साइड हो गई, देखिए ए बी और ये सी डी, ठीक है। अब इसको एक तिर्यक रेखा अगर काटती है, मतलब ये जो एसी जा रहा है ना विकर्ण, तो इसी तरह से हमने एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट ली, तो आप क्या जानते हैं यहाँ पे जब ये तिर्यक रेखा काटती है, ये सी बिंदु यहाँ पर है जो है, इससे आगे कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं ये जो कोण होगा वो किस कोण के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर, क्यों, एकांतर कोण होते हैं, कि दो भुजा समांतर है उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण जो बनते हैं ये क्या बनते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं। अब ये वाली भुजा क्योंकि यहीं तक ही तो है, ये यहाँ तक है क्योंकि ए सी ऐसे काटा, तो इसका मतलब कौन सा कोण हुआ, क्योंकि ये ऐसे काटा, कौन सी भुजा, ए बी समांतर है सी डी, तो ये तिर्यक रेखा ने काटा, तो ये जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। समझ में आ गई होगी इतनी बात अब आपको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इसी तरह से जैसे हमने ए बी समांतर सी डी लिया है, इसी तरह से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बी सी समांतर है ए डी, ये जो है, ये देखिए अगर ये दो भुजा समांतर हो गई आपकी इस तरह से,
और एक तिर्यक रेखा ने ऐसे काटा, ये देखिए तिर्यक रेखा ने ऐसे काटा, कौन सी तिर्यक रेखा, ए सी। तो अब क्या जो है, अब ये जो कोण बना, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं उधर, ये जो कोण बना है आपका, ये कोण किसके बराबर, इस वाले कोण के बराबर। इसका मतलब अब इस वाले में देखिए, ये इस तरह से काटा, तो ये कोण कौन सा, मतलब ये जो है ना, ये क्या थी, ए सी थी, और भुजा ये ए डी थी और ये सी बी सी थी। तो आपको दिख रहा होगा ये जो कोण होगा, अब ये वाला कोण किसके बराबर आ गया, इस वाले कोण के बराबर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बस आपको पता लग गया कि दो तो कोण हो गए, दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो कोण हो गए, और ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कोण भुजा कोण सर्वांगसम नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे और उसके बाद हम संगत भाग बराबर कर लेंगे। तो हम प्रूफ में सबसे पहले ए बी ये लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में, पहले बताते हैं हम यहाँ पे, ए बी जो है समांतर है सी डी के। तो जब आपकी ए बी समांतर होगी सी डी के, तो कौन से कौन बराबर हुए थे, ए बी समांतर है सी डी के, ये कौन, मतलब कौन आपका, पहले बता देते हैं, बी ए सी ये वाला कौन इसके बराबर था ना, तो ये हो गया कौन बी ए सी, इसलिए कौन बी ए सी बराबर होगा कौन डी डी सी ए, डी सी ए। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, इसका कारण देना है, मतलब एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसी प्रकार से आपको इसको एक समीकरण एक कह दीजिए आप, क्योंकि आगे काम आएगा ये, ठीक है। आप इसी प्रकार क्या होगा, ए बी समांतर सी डी होगा, इसी तरह से बी सी जो है समांतर है, बी सी समांतर है, चूंकि चूंकि बी सी समांतर है किसके, ए डी के। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है, इसलिए कोण कौन सा कोण बराबर हुआ था जब बी सी के कारण, ये कोण इस वाले कोण के बराबर, मतलब कोण बी सी ए, इसलिए कोण बी सी ए बराबर होगा कोण किसका, डी ए सी, डी ए सी। ब्रैकेट में आपको कारण जरूर देना है यहाँ पे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। और इसको हम समीकरण दो कह देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो पहले तो क्योंकि भुजा तो बाद में होगी ना, पहले सर्वांगसम सिद्ध करेंगे दोनों त्रिभुजों को। अब लेते त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में सबसे पहले क्या बताएंगे, क्योंकि कौन भुजा कौन लगाना है, तो सबसे पहले कौन को ले लेते हैं, कोई भी एक कौन को ले लीजिए, पहले वाले को ले लीजिए, कि कौन यहाँ पे बी ए सी बराबर है कौन डी सी ए के। कारण क्या, समीकरण एक से कह देंगे हम, समीकरण एक से। फिर उसके बाद कौन हो गया, अब भुजा कहेंगे, तो भुजा में ए सी बराबर ए सी, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आती है, ए सी बराबर ए सी। ब्रैकेट में कारण क्या होगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उसके बाद हमने क्या करा, कोण हो गया, भुजा होगी, और अब फिर से कौन कौन सा, ये वाला कौन, कि कौन बी सी ए बराबर कौन डी ए सी। ब्रैकेट में क्या, समीकरण, क्योंकि कारण आपको जरूर देना है, समीकरण दो से, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, कि यहाँ पे कौन भुजा कौन, तो आप कह सकते हो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। कारण क्या होगा इसका, कौन भुजा कौन, मतलब ए एस ए, एंगल साइड एंगल, मतलब कौन भुजा कौन, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कौन भुजा कौन सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ये क्या हो गए, दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं। इसलिए अब आप क्या कह सकते हैं, इनके संगत भाग जो होंगे वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब ए बी का मतलब इन दोनों त्रिभुज के संगत भाग क्या होंगे, इसका संगत भाग मतलब ये, इसका संगत भाग इस भुजा के बराबर, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर कह सकते हो आप संगत भाग में, और ये भुजा जो है ये इस भुजा के बराबर कह सकते हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है सी डी के। ब्रैकेट में क्या, कारण जरूर देना है, मतलब सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी, आप ये कह सकते हो सी पी सी टी से, इतना। और फिर उसके बाद जो है ए बी बराबर क्या हो गया सी डी, और इसी तरह से बी सी बराबर बी सी
बराबर डी ए या ए डी के और सी पी सी टी से। सी पी सी टी आप जानते ही हैं कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं तो उनके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होते हैं। और आपको ये सिद्ध करना था कि एक समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज लेकर चले थे, देखिए ठीक है, क्योंकि भुजा समांतर लेकर चलते हैं तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए बी बराबर सी डी के, बी सी बराबर डी ए के, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। स्टार्ट करते हैं हम पर में 8.3 को। इसमें कहा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो अगर बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये आपको सिद्ध करना है इसमें। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, ये लिख लेते हैं हम, दिया है एक चतुर्भुज, दिया है चतुर्भुज, इसको हम क्या करते हैं, इस चतुर्भुज को हम ए बी सी डी ले लेंगे, नाम दे देंगे। देखिए ये आपका एक चतुर्भुज हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी नाम दे दिया। तो हम बता देंगे दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी, साथ ही सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या है इसमें, बराबर है, मतलब ए बी बराबर सी डी की है और बी सी बराबर डी ए की है, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए या ए डी जो भी है इसके है, ये जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है कि एक चतुर्भुज, जो ये चतुर्भुज है अब ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, मतलब आपका ए बी सी डी जो है, ए बी चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है, प्रमाण प्रूफ। देखिए कैसे करते हैं हम इसको सिद्ध जो है। अब आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस चतुर्भुज में एक विकर्ण खींच लेता हूँ, मतलब ए सी, ए को सी से मिला दीजिए आप, ये देखिए हमने ए को सी से मिला दिया। अब ए सी विकर्ण के द्वारा क्या हो गया, ये त्रिभुज बन गया एक अलग, कौन सा, सी डी ए, और एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। अगर मैं इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देता हूँ, हो जाएगा सर्वांगसम आसानी से, तो जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो इसके जो संगत भाग होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर कर देंगे। और उनके संगत भाग में हम क्या बराबर करेंगे, क्योंकि हमें बराबर क्या करना, मतलब इसमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो अगर मैं क्या करूं, इनके इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया और संगत भाग में मैंने बराबर कर दिया कि ये जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, ये जो कोण होगा इसका, ये वाला कोण, वो इस वाले कोण के बराबर होगा। तो इससे होगा क्या आपका, कि जब हमारा ये कोण बराबर होंगे आपस में, ये देखिए ये वाला, आप सिर्फ एक पेयर लेके चलिए, ये देखिए इस तरीके से ये ए सी काट रहा है, ये ए और ये सी, यहाँ से कौन कौन सा बन रहा है, ये कौन मैं कह रहा हूँ इसके बराबर। तो आप जानते हैं ये कौन कब बराबर होते हैं, जब ये भुजा जो होगी, मतलब ये ए बी भुजा जो होगी वो सी डी के क्या होगी, समांतर होगी। इस तरीके से हम दोनों भुजा समांतर कर, मतलब ए बी को सी डी के समांतर सिद्ध कर देंगे, और इसी प्रकार से हम ये जो बी सी है इसको डी ए के समांतर सिद्ध कर देंगे, और जिससे हम क्या कह सकते हैं इन दोनों बातों से कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बनाते हैं पहले जो है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी जिनको हमें सर्वांगसम बनाना है उनको लेकर चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज सी डी ए में। सबसे पहले क्या हो गया कि यहाँ के जो भुजा है वो बराबर है, कि ए बी बराबर किसके है, सी डी के। तो आपको लिखना है ए बी बराबर है सी डी। अब ये जो ए बी बराबर सी डी है वो क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो आपको लिखना है यहाँ पे कि ए बी बराबर सी डी, ब्रैकेट में इसका कारण देना है, दिया है, क्लियर है। आप उसके बाद क्या होगा, बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर है डी ए के, और ये भी आपको क्या है, ब्रैकेट में इसका दिया है। और फिर जो तीसरा है यहाँ पे ए सी जो भुजा है, भुजा ए सी दोनों त्रिभुजों में जो है क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम कहेंगे ए सी बराबर ए सी और ब्रैकेट में उभयनिष्ठ,
तो अब आप कह सकते हो इसलिए त्रिभुज एबीसी ये सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। ब्रैकेट में इसका आपको कारण देना है। अब यहां देखिए SSS भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, तो आप कह सकते हैं SSS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अब आपको पता लग गया है कि सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं, संगत भाग जो होते हैं, उनको बराबर करते हैं। तो अब ये देखिए कौन सा भाग हम बराबर करेंगे, हम करते हैं कौन बी ए सी जो है, मतलब इसीलिए कौन बी ए सी बराबर होगा, बी ए सी बराबर होगा कौन किसके, आपका डी सी ए, कौन डी सी ए के। और ब्रैकेट में इसका क्या लिखना है आपको, सीपीसीटी से, सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी पता लगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उससे हमने ये कर दिया बराबर। और एक पार्ट और कर देते हैं, इसीलिए मतलब दूसरा कौन जो ये पार्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर करेंगे, संगत भाग बराबर करते हैं हम, तो ये वाला कर देंगे, ये वाला मतलब ये कौन इस वाले कौन के बराबर, कौन सा बी सी ए, ठीक है, कौन बी सी ए बराबर कर देंगे कौन डी ए सी, कौन डी ए सी, ब्रैकेट में भाई सी पी सी टी से। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए जब ये कौन इस कौन के बराबर है, जब ये कौन इस कौन के बराबर है, इसी तरीके से लिखना है, चूंकि ये तो हो गया इतना काम आपका सी पी सी टी से हो गया। अब हम करेंगे इसको इक्वेशन एक कह देंगे और इसको इक्वेशन दो कह देंगे। हम कहेंगे चूंकि कौन बी ए सी बराबर है कौन डी सी ए के, फिर ब्रैकेट में इसका कारण भी देना पड़ेगा, कैसे हुआ, कहाँ से, समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब चूंकि ये दोनों कौन अगर बराबर हैं, तो इसीलिए आप क्या कह सकते हो, इसके कारण कहेंगे हम कि ए बी जो है समांतर है किसके, ए बी समांतर है सी डी, ए बी किसके समांतर हो जाएगी, सी डी, क्योंकि ये आपको पता लग गया कि जब ये कोण तभी बराबर होते हैं जब ये क्या होते हैं एकांतर कोण हो जाएंगे ना, एकांतर कोण की तरफ बराबर। और ये कब होते हैं, जब ये भुजा किसके समांतर हो, इस सामने वाली समूह भुजा के समांतर हो, तो ए बी समांतर क्या होगी, सी डी हो गई। आप इसी तरीके से लिखेंगे चूंकि कौन ये वाला बी सी ए, कौन बी सी ए बराबर है कौन डी डी ए सी, डी ए सी बी सी ए बराबर कौन डी ए सी के अगर बराबर है समीकरण दो से, समीकरण दो से, तो आप कह सकते हो क्या कहेंगे अब यहाँ पे हम कि ये जो बी सी बराबर क्या होगा, समांतर होगा, बी सी समांतर होगा डी ए के, इसीलिए। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में ये भी कह सकते हो एकांतर कोण भी, एकांतर कोण, जिससे ये पता लगेगा कि एकांतर कोण है, इसके कारण में भुजा समांतर हो गई, ठीक है, यहां पे भी आप एकांतर कोण कह दीजिए। अब आपने देखा कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और बी सी समांतर है डी ए के, तो आप कह सकते हो इसी कारण जो है, चूंकि ए बी समांतर सी डी व बी सी समांतर डी ए, इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ए बी सी डी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको पता लग गया होगा ना कि बी सी समांतर डी ए कैसे होगा, जैसे मैंने इसका बताया था ना ए बी समांतर डी सी, इसी तरह से आप देखिए बी सी समांतर डी ए में, देखिए ये भुजा ऐसी जा रही है ना दो, कौन सी, और ये आपकी इस तरह से कट कर रही है एक तिर्यक रेखा। अब ये तिर्यक रेखा के यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट है, और यहाँ पे क्या पॉइंट है आपका, सी पॉइंट है, इधर बी हो जाएगा और इधर आपका डी हो जाएगा, मैंने यही बनाकर इधर दिखाया है। अब कौन से कोण की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस वाले कोण की जो कि इसके बराबर है, तो अब यहाँ पे कोण किसके द्वारा बन रहा है, देखिए ये वाला कोण जो, अब ये एक्स्ट्रा की हटा देता हूँ मैं यहाँ से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये किस भुजा के द्वारा बन रहा है, वाला कोण बी सी भुजा के द्वारा बन रहा है, और ये जो कोण बन रहा है ये किसके द्वारा बन रहा है, डी ए के द्वारा बन रहा है, ए डी के द्वारा। तो आप कह सकते हो क्योंकि ये एकांतर कोण हो गया ना, तो इसके कारण क्या कह सकते हो, बी सी जो है समांतर ये, क्योंकि ये बराबर है
भाई ये कौन इसके बराबर है, कहाँ से हुआ, ये सीधा आया था, हमने सीपीसीटी से कर लिया था, और जिसके कारण ये बराबर है, इसके कारण आप क्या कह सकते हो कि जो बीसी भुजा है ये समांतर है डीए के, जैसे मैंने एबी को कहा था डीसी के। आपको इन दोनों जो डायग्राम है इनसे आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है हम परमी 8.4 को, इसमें क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, और इसमें कहा कि ये सम्मुख कोण जो होते हैं इसमें बराबर होते हैं, मतलब ये जो कोण होगा आपका इस वाले कोण के बराबर होगा, ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है इसमें। तो इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं, देखिए अगर मैं इसमें एक रचना कर लेता हूँ कि ए से सी को मिलाया, मतलब विकर्ण को जो है विकर्ण बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसमें एक जो है इसका, ये हमने इसका ड्रॉ कर लिया विकर्ण, विकर्ण ड्रॉ कर लिया। तो अब इन्होंने क्या कहा कि इसमें अगर मैंने विकर्ण ड्रॉ कर लेता हूं तो इससे क्या होगा, इससे दो त्रिभुज बन गए आपके, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आपका सीडीए। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो इनके जो संगत भाग होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, उसको बराबर कह सकते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो संगत भाग ये भाग इस भाग के बराबर कह देंगे, मतलब आपका एक काम हो गया इसमें सम्मुख कोण में, मतलब एक युग्म आपका बराबर हो गया। अब दूसरे युग्म को बराबर करने के लिए क्या होगा, अब इस युग्म को जब बराबर करना होगा, मतलब कोण ए को कौन सी के बराबर करना होगा, तो हमें इसका दूसरा विकर्ण खींचना होगा, मतलब बीडी को खींचना होगा, जिससे ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको दो उसमें करते हैं हम, दो मतलब एक बार इस विकर्ण को लेकर, फिर एक बार बीडी विकर्ण को लेकर। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं, दिया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इतना ही दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपने को, अपने को इसमें सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब कोण ए बराबर कौन सी, कोण ए बराबर कौन सी, और कोण बी बराबर कौन डी, कोण बी बराबर कौन डी, ये आपको सिद्ध करना है। फिर इसमें हम एक रचना कर लेते हैं, रचना देखिए, रचना में हम क्या करेंगे, यहाँ पे विकर्ण एसी को, मतलब ए से सी को मिला, विकर्ण एसी को मिला बनाया जो है, इस तरीके से लिख लेते हैं कि विकर्ण एसी खींचा, इतना हमने जो है इसमें लिख लेते हैं रचना में। और अभी बीडी को नहीं लिखते, वो हम उसके सेकेंड पार्ट या उसमें हम लिखते हैं। फिर हम इसमें प्रमाण लिखते हैं, प्रूफ। अब प्रूफ इसमें किस तरह से करेंगे, आपको पता लग गया ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी इसमें व त्रिभुज सी डी ए में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में, सबसे पहले इसमें क्या होगी कि आप भुजा को बराबर करेंगे कि ए बी को हम सी डी के बराबर कर देंगे, फिर बी सी को हम डी ए के बराबर करते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, इसका गुण होता है। तो हम कहेंगे कि ए बी बराबर सी डी और ब्रैकेट में समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये ए बी बराबर सी डी से हुआ, इसी तरह से बी सी बराबर किसके होगा आपका, डी ए के, और ब्रैकेट में सेम रीजन सेम कारण होगा इसका, बी सी बराबर डी ए। साथ ही जो ए सी है ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो हम कहेंगे ए सी बराबर ए सी ब्रैकेट में उभयनिष्ठ। तो अब यहां से आप क्या कह सकते हो, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के, और ब्रैकेट में इसका कारण क्या होगा, क्या कारण होगा, भुजा 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 सर्वांगसमता नियम, तो हम कहेंगे इसको एस 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 सर्वा, आप भुजा 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 भी लिख सकते हो, ठीक है, एस 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 सर्वांगसमता, सर्वांगसमता नियम से, नियम
से। तो अब ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो अब इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट बराबर हो गए, तो अब आप क्या कह सकते हो, क्योंकि हमने ये वाले दो त्रिभुज है तो कौन बी बराबर क्या होगा, कौन बी बराबर इसलिए कौन डी के होगा और ब्रैकेट में किस लिए, सी पी सी टी से। सी पी सी टी मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब जो आपके सर्वांगसम जो त्रिभुज हैं उनके संगत भाग जो कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कौन बी बराबर कौन डी, इसको आप कह दीजिए समीकरण एक, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हो गया यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद फिर से हम एक सेकंड पार्ट कह लो कि हम एक रचना करेंगे। अब ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया कौन भी बराबर कौन डी से, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, इसको मिटोल लेते हैं इसी में और हमने इसको खींच लेते हैं बी डी को। ये देखिए इसको खींचने के बाद क्या बना, दो त्रिभुज बन गए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रचना इसका सेकेंड पार्ट में, मतलब रचना कर लेते हैं हम यहाँ से, रचना विकर्ण बी डी, बी डी, बी डी खींचा और विकर्ण बी डी खींचने के बाद अब जो त्रिभुज बने आपके वो ये दो त्रिभुज बन गए आपका बी सी डी, ये वाला हो गया, और डी ए बी जो है, या बी ए डी जो है डी सी बी, इस तरह से दो त्रिभुज आपके बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया त्रिभुज बी सी डी व त्रिभुज डी ए बी में। तो अब यहाँ पे जब दोनों त्रिभुज हो गए, अब इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो यहाँ पे देखिए बी सी वाला देखिए पहले कि यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों की बात है तो ये बी सी भुजा जो होगी वो किसके बराबर होगी, डी ए के बराबर हो जाएगी। बी सी बराबर किसके हो गई, डी ए के बराबर हो गई। और सेम रीज़न समांतर चतुर्भुज की समभुजा बराबर होती है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये सेम रीज़न होगा यहाँ पे बी सी बराबर डी ए। फिर उसके बाद हमने बी सी को डी ए के बराबर कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे सी डी, क्योंकि सी डी बराबर ए बी, क्योंकि पहले ये वाला त्रिभुज ले रखा है हमने यहाँ पे देखिए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी डी बराबर आपका ए बी हो जाएगा। सी डी बराबर ए बी, सेम कारण है, वो भी नहीं लिखा यहाँ पे, ये लिख लेना समांतर चतुर्भुज की समभुजा बराबर होती है। साथ ही बी डी बराबर बी डी उभयनिष्ठ हो जाएगा, बी डी बराबर बी डी क्या होगा, उभयनिष्ठ। और यहाँ से अब आप क्या कह सकते हो, इसलिए त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ए बी के कारण एस 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 सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से। अब जब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो अब इनके इसलिए संगत भाग बराबर होंगे। कौन से भाग, संगत भाग, ये कौन हम इसके बराबर कर देंगे, कौन सी के, मतलब यहाँ पे कौन सी, क्योंकि पहले इस वाले में कौन सी बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए के, जो जो भी त्रिभुज पहले ले रखा है उसके पार्ट ए की जगह लिखेंगे। मतलब देखिए पहले बी सी लिखा, क्योंकि बी सी डी त्रिभुज है तो बी सी लिखा, फिर सी डी लिखा, बी डी लिखा। ये नहीं कि मतलब हम आगे पीछे करेंगे, मतलब इस वाले पार्ट का ये वाला पार्ट इधर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो त्रिभुज जिधर लिख रखा है उसके पार्ट इधर ही लिखेंगे। जैसे बी सी डी में क्या आएगा, बी सी डी में कौन सी आएगा, तो कौन सी को कौन ए के बराबर लिखेंगे, ना कि कौन ए को कौन सी के बराबर लिखना है, क्योंकि हमने बी सी डी त्रिभुज पहले लिख रखा है। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे कौन सी बराबर कौन ए, और सी पी सी टी से ही दो करा है हमने, कोरस्पोंडिंग पार्ट बराबर कर दिया। यहाँ पे समीकरण एक दी थी, इसको हम समीकरण दो कह देते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि समीकरण एक व दो से, एक और दो से आपको पता लग रहा है कि कौन ए बराबर कौन सी और कौन बी बराबर कौन डी, अतः यही समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः समांतर चतुर्भुज में, चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था कि समांतर 8.5 को इसमें कहा है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। किस क्या बात करी इन्होंने, कहा चतुर्भुज की बात करी कि जैसा कि अगर ये चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये
ये देख लीजिए एक चतुर्भुज हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, ए बी सी डी। उन्होंने कहा कि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मतलब आपका सम्मुख कोण कौन से, जैसे कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा कौन सी, तो ये युग्म बराबर, मतलब कोण ए बराबर कोण सी। इसी तरह से कोण बी उसका सम्मुख कोण जो होगा उसके सम्मुख कोण कोण डी होगा, और कोण बी बराबर कोण डी। ये युग्म उसने कहा कि अगर ये बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम इंग्लिश में समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं दिया है, दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी, यही दिया है, जिसमें कौन ए बराबर कौन सी के है, कौन ए बराबर कौन सी, और कौन बी बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन सी, कौन बी बराबर कौन डी, ये आपको दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है इसमें क्या, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको यहां पे सिद्ध करना है। प्रमाण प्रूफ, आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें जो सिद्ध करना है ए बी सी डी को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो एक दिया तो है चतुर्भुज और चतुर्भुज में ये कोण दे रखे हैं, तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के जो अंत ये जो कोण होते हैं इनका जो योग होता है चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। हम इनको नाम दे देते हैं, देखिए इसको कोण एक कह देंगे, कोण दो, कोण तीन और कोण चार, ये आसानी हो जाएगी इसे समझने के लिए। तो हम लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर होता है कितना 360 डिग्री। अब क्या करेंगे यहां पे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360, या फिर कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार बराबर 360 डिग्री। समझ में आ गई बात। अब आप जानते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी था, मतलब कोण ए किसके बराबर है, कोण तीन के, तो आप यहां पे ब्रैकेट में कर देना, क्योंकि कोण एक, या फिर आपको मैं एक बात और बताता हूं, उसमें कोण एक कोण तीन के बराबर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे कोण एक को या फिर कोण तीन को कोण एक के बराबर कह सकते हो, कोण तीन बराबर कोण एक के, तो यहां पे कोण एक प्लस कोण दो या चार बराबर कोण दो के, या कोण दो बराबर कोण चार के। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि हम एक तरफ वाले ले लेंगे, देखिए कैसे, उसका भी एक रीजन है, आपका कारण है क्यों ले रहे हैं हम इस तरह से। देखिए कोण एक प्लस कोण दो को क्या लिया, कोण दो बराबर कोण चार के, प्लस कोण तीन बराबर कोण एक के, प्लस कोण चार को ऐसे रहने दे दीजिए और 360 डिग्री। अब देखिए कोण एक दो बार आ गया, कोण चार दो बार आ गया, दो कॉमन आ गया, मतलब कोण एक प्लस कोण चार बराबर 360 डिग्री, और कोण एक प्लस कोण चार बराबर 360 बटा दो बराबर 180 डिग्री, मतलब कोण एक प्लस कोण चार बराबर 180 डिग्री। ये देखिए, देखिए हमने क्या करा था अभी, हमने जैसे ये बताया था कोण एक बराबर कोण तीन के, कौन, ये तो पता ही है कोण एक बराबर कोण तीन के, कोण दो कोण चार के बराबर है। फिर हमने चारों कोणों का योग करा 360 के बराबर रखा। अब हमने इनको कोण एक और कोण चार को ही क्यों लिया है भाई, हमने
मतलब कौन एक बराबर कौन तीन था, तो कौन तीन को कौन एक ले लिया, कौन चार को जो का तो रखा, कौन दो को कौन चार ले लिया, मतलब कौन एक और कौन चार की फॉर्म में हमने ये समीकरण क्यों बनाई, ये इन दोनों को प्लस करके 180 क्यों करा। इसका एक रीज़न ये है कि देखिए जब हमने क्या करा यहाँ पे, इसको देखिए कि ये एक आपकी ऐसे लाइन हो गई, एक ये हो गई और ये तिर्यक रेखा हो गई आपकी, और यहाँ पे ये दो कौन बन रहे हैं आपके, ये वाला कौन और ये वाला कौन, कौन एक और कौन चार। और आप जानते हैं कि ये जो कोण है दोनों के दोनों, कोण एक और कोण चार, ये अंत्य कोण है तिर्यक रेखा के एक ओर के, ये कि तिर्यक रेखा होगी इसके एक ओर के अंत्य कोण है। और आप ये भी जानते हैं कि अब यहाँ पे क्या आया, इसलिए हमने लिया क्योंकि कोण एक प्लस कोण चार 180 डिग्री, और अंत्य कोणों को मतलब अगर जो है आप जानते हैं इसमें कि अंत्य कोणों को 180 कब होता है, जब मतलब कौन कब होता है, जब ये दोनों रेखा क्या होती है आपकी समांतर होती है। तो आप ये कह सकते हो कि कोण एक और कोण चार अंत्य कोण हो गए, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्य कोण हो गए, तथा कोण एक प्लस कोण चार 180 डिग्री आ गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगी वो समांतर किसकी होगी, सी डी की होगी। आप जानते हैं ना कि देखिए ये आप जानते हैं कि अगर ए बी जैसे ये सपोज करिए भुजा ए बी समांतर है सी डी के, और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो आप जानते हैं ये कोण जो होता है जैसे आपका इस तरह से ये काट रही है, मतलब जैसे ए बी समांतर हो गई सी डी के, तो ये जो कोण होगा आपका, ये अंत्य कोण होते हैं आपके, ये कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, एकांतर, ये एकांतर कोण हो गए, और ये जो कोण होता है इस कोण के इन दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो कोण होते हैं ये एकांतर कोण हो गए, ये कोण इस कोण के बराबर, ये एकांतर कोण, और ये कोण क्या होते हैं तिर्यक रेखा के जो एक ओर के कोण हो जाते हैं वो क्या होते हैं आपके अंत्य कोण, और उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। वो कब होता है, जब ए बी क्या होगी समांतर होगी सी डी के। तो यहां से आपको इतना समझ में आ गया होगा ये, अच्छा तो अब हमें पता लग गया कि कोण एक प्लस कोण चार बराबर 180 डिग्री, तो इसको समीकरण आप कह दीजिए एक। अब इसी प्रकार देखिए जिस तरह से कोण एक प्लस कोण चार करा हमने, कोण एक और कोण चार, क्योंकि कोण एक और कोण चार क्या है, ये इन दो रेखाओं के बीच की तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्य कोण है, तो इससे तो सिर्फ ये सिद्ध होगा कि ए बी समांतर होगी सी डी के, परंतु हमें क्या सिद्ध करना होगा, हमें ये भी समांतर सिद्ध करना है ए डी समांतर बी सी, मतलब ये दो रेखा ए डी, जैसे ये हो गया ए डी और ये होगी आपकी बी सी, तो अब इसके लिए भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो इन दोनों के लिए सिद्ध करने के लिए एक तिर्यक रेखा और, जैसे हमने एक तिर्यक रेखा ये ले ली, कौन सी ये ले ली ना हमने, ये वाली रेखा, और इसके एक और के अंत कौन कौन से, ये वाले हैं, मतलब कौन एक और कौन दो, इसका मतलब अब आपको कौन एक प्लस कौन दो 180 डिग्री सिद्ध करना था। तो इसी प्रकार आप कह सकते हो कौन एक प्लस कौन दो 180 डिग्री होगा, कैसे, देखिए अब इसी इक्वेशन में देख लीजिए समीकरण एक में ही, ये देखिए कौन एक को कौन एक की कौन एक को जो का तो लिखो, प्लस कौन चार किसके बराबर है, कौन दो के बराबर है, तो कौन चार को हमने लिख लिया कौन दो बराबर 180 डिग्री, समीकरण इसको कह दीजिए दो। अब आप क्या कहेंगे, देखिए चूंकि पहले हम इसके हिसाब से लेते हैं कि कौन एक व कौन चार, कौन एक व कौन चार तिर्यक रेखा, कौन सी तिर्यक रेखा, ए डी के एक और अंत कोण है, तथा साथ ही आपने क्या देखा कि कोण एक प्लस कोण चार कितने हैं 180 डिग्री के बराबर है, और इस बात से आप क्या कह सकते हो, चूंकि ये है इसलिए आप कह सकते हो कि AB समांतर है CD। समीकरण एक दो तो बन गई थी, इसको समीकरण बनाइए तीन आप, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हमने जैसा ये लिखा इसी तरह से हम इधर लिख देते हैं, यहाँ तो कोण एक और कोण चार की बात हुई थी, अब हम क्या करेंगे, चूंकि कोण एक व कोण दो, कोण एक और कोण दो जो है वो तिर्यक रेखा क्या है, ए बी तिर्यक रेखा ए बी के एक ओर, भाई ए बी के एक ही ओर तो है, ऐसा तो नहीं भाई एकांतर कोण में तो क्या होता है ये कोण इधर हो जाता है, तो यहां तिर्यक रेखा ए बी के एक ओर अंत्य कोण है इंटीरियर एंगल जो होते हैं,
ठीक है, अंत्य कोण है, तथा अब यहाँ पे भी आपको पता है कोण एक प्लस कोण दो बराबर किसके 180 डिग्री, और अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री कब होता है, जब ये दो भुजाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है ना। जैसे ये दो भुजा समांतर हैं आपस में और ये तिर्यक रेखा आपकी काट रही है इन्हें, और उसके एक और के अंत्य कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसी बात से हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो AD होगी, AD समांतर होगी BC के, AD समांतर होगी BC के, समीकरण आपकी तीन बनी थी, ये समीकरण बन गई आपकी चार। तो तीन और चार से देखिए, ये भुजा AB, आप समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी और ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी। तो अब आप जानते हैं समीकरण तीन और चार से आप कह सकते हो समीकरण, इसलिए समीकरण तीन व चार से, समीकरण तीन और चार से चतुर्भुज की सम्मुख भुजा जो है आपस में क्या समांतर है, चतुर्भुज की, चतुर्भुज एबीसीडी की, ए बी सी डी की सम्मुख भुजाओं का युग्म, सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर है। भाई युग्म ही तो समांतर है कि ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी, और इसीलिए आप कह सकते हो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आपको हर एक बात का कारण सहित 8.6 को इसमें कहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांट देते हैं। तो हम एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। उन्होंने कहा कि इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, पहले विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं, विकर्ण क्या होगा, ए सी हो जाएगा, ये ए को सी से मिला देते हैं और ये बी डी हो जाएगा, ये विकर्ण हो गए। परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो हम बिंदु ओ हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आपका क्रॉस मतलब क्रॉस पॉइंट जो हो गया, जहाँ पे ये परस्पर समद्वि जहाँ पे ये काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसको हम ओ बिंदु कह दिया। और समद्विभाजित का मतलब क्या होगा कि ये जो भाग है, मतलब अब ये जो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित मतलब क्या होगा, इस भाग पे कि ये जो पार्ट होगा वो इस पार्ट के बराबर होगा, मतलब ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। और इसी प्रकार ये जो ओ बी है, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओ डी के हो जाएगा। और ये जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको हमने ओ कहा है। और यहीं से समद्विभाजित आपको पता लग गया कि जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित, समान दो भागों में बट जाते हैं। जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो ये समान भागों में बट जाते हैं, ठीक है, ये पार्ट आपस में बराबर हो जाते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसमें दिया है लिख लेते हैं, दिया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए सी व बी डी उसके विकर्ण हैं, जिसमें ए सी व बी डी विकर्ण हैं, ये आपको दिया हुआ है। अब हम लिखते हैं यहां पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी व ओ बी बराबर ओ डी है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए इसका प्रूफ प्रमाण कैसे सिद्ध करते हैं, हम क्या करें, हम अगर ये दो त्रिभुज ले लें, आपको दिख रहा होगा ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो इनके संगत भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए अब आप जानते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी डी, चतुर्भुज जो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इनकी जो सम्मुख भुजा होगी वो बराबर भी होगी, समांतर के साथ साथ बराबर भी होगी। तो हमें पता है ए बी बराबर किसके हैं, सी डी के, भुजा हो गई यहाँ पे। फिर साथ ही हमने क्या करा, भुजा हो गई, अच्छा अब यहाँ पे ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो कोण, ये भुजा
और साथ में ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण। तो आप यहां पे से कह सकते हो कोण भुजा कोण जो है ASA, सर्वांगसमता नियम से आप इसको दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कह सकते हो, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत भाग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में, सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ पे ASA लगा रहे हैं तो सबसे पहले कोण को बराबर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोण कौन सा, देखिए ये वाला कोण, कोण OCD और किसके बराबर होगा ये कोण इसके, तो हमने पहले त्रिभुज लिख रखा OAB, तो हम लेंगे कोण OAB, कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के, ये कोण इस कोण के बराबर, और ब्रैकेट में इसका कारण जरूर देना है आपको, एकांतर कोण, एकांतर कोण। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये हो गया कोण। अब भुजा AB बराबर किसके है, CD के, AB बराबर CD, ब्रैकेट में इसका कारण देना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो ये भी हो गया कोण भुजा। अब कोण कौन सा रह गया, ये शीर्षभिमुख कोण, तो आप कह सकते हो इसको क्या, COD, पहले ये वाला, क्योंकि ये वाला त्रिभुज हमने पहले लिख रखा है, तो कोण AOB, कोण AOB बराबर कोण COD, ब्रैकेट में इसका कारण देना है शीर्षभिमुख कोण, और इसीलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज OAB सर्वांगसम है त्रिभुज OCD के, ब्रैकेट में कारण क्या होगा, ASA सर्वांगसमता नियम से, भाई ASA मतलब A का मतलब एंगल, साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण, तो ये कह सकते हैं ASA सर्वांगसमता नियम से, नियम से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसीलिए जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए सिद्ध, तो अब उनके हम संगत भागों को बराबर करेंगे, तो ये भाग OA बराबर किसके बराबर हो जाएगा, OC के, इसीलिए OA बराबर है OC ब्रैकेट में CPCT से, और इसी तरह OA बराबर OC और OB बराबर OD CPCT से, और इसको समीकरण एक कह दीजिए, समीकरण दो कह दीजिए, और समीकरण एक और दो से तो करेंगे क्योंकि OA बराबर OC और OB बराबर OD, तो एक और दो से कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समीकरण एक व दो से सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इससे यह सिद्ध हो गया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें कोई भी नियम प्रमेय 8.7 को उसमें कहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब की बार विकर्ण को समद्विभाजित कह दिया और चतुर्भुज का है, समांतर चतुर्भुज का, और समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। मतलब एक चतुर्भुज दिया है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं एक चतुर्भुज, इस चतुर्भुज को नाम दे देते हैं हम ABCD, और उन्होंने कहा कि इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। पहले विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं हम इसमें, ये AC विकर्ण हो गया, इसी प्रकार ये BD विकर्ण हो गया,
और ये परस्पर संधिवाज करते हैं, हम प्रतिच्छेद बिंदु को हम O कह देते हैं, और ये OA बराबर OC दिया है, OB बराबर OD दिया है, ये बराबर दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज करने के लिए भुजाएं समांतर होंगी, सम्मुख भुजा समांतर भी सिद्ध करनी पड़ेगी और बराबर भी सिद्ध करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को OAB और OCD को अगर मैं सर्वांगसम सिद्ध कर देता हूँ, अगर सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो सर्वांगसम सिद्ध करने से ABCD एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। आगे CPCD से हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बराबर कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें दिया है लिख लेते हैं, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, जिसमें एक विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजक करते हैं, इसलिए हम इसको शॉर्टकट लिखते हैं इसमें कि ABCD एक चतुर्भुज है, तथा OA बराबर OC है, तथा OA बराबर OC है, और OB बराबर OD है। इतना ही दिया है और अब सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। प्रूफ देखिए, प्रमाण देखिए क्या करते हैं हम इसमें कि अब आप यहां पे देखिए त्रिभुज OAB में, अब यहां OAB और OCD में देखिए, जब उन्होंने कहा कि ये परस्पर विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये देखिए ये भाग इस भाग के बराबर, तो एक भुजा इस भुजा के बराबर होगी, इस त्रिभुज की एक भुजा इस भुजा के बराबर, ऐसे ही इस त्रिभुज की एक भुजा इस भुजा के बराबर, तो भुजा दो तो भुजाओं की भुजा बराबर हो गई। बस एक कोण बराबर कर देते हैं कि ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पे से भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में सबसे पहले भुजा OA बराबर OC, OA बराबर OC ब्रैकेट में क्या है, दिया है। फिर उसके बाद भुजाओं के आप कौन 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 सा लेंगे, कौन AOB बराबर कौन COD ब्रैकेट में, इसका कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कौन। फिर उसके बाद भुजा कौन, अब भुजा OB बराबर OD, OB बराबर OD ये भी दिया है। इसीलिए त्रिभुज OAB सर्वांगसम है त्रिभुज OCD के, और कारण यहां पे होगा SAS सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से। और अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए अब इनके संगत भाग बराबर करेंगे। देखिए अब ये त्रिभुज है OAB और OCD, AB को मैं CD के बराबर कर लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें तो समांतर चतुर्भुज के लिए करना है। अब उसी प्रकार से हम CPCD से बराबर करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर करेंगे, जो है किस प्रकार कि जो हमें चाहिए है आगे जिस सिद्ध करने के लिए। अब सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए कि भाई AB बराबर होना चाहिए किसके, CD के, और जो है AD बराबर होना चाहिए भाई ये वाला, तो लेकिन कब बराबर होगा ये तो हम इसी प्रकार से कह सकते हैं सिमिलरली भाई हम ये वाले दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, फिर तो ABCD के बराबर हो जाए और AB समांतर भी हो जाए, सिद्ध हो जाए AB समांतर CD। अब AB समांतर CD कब होगा, देखिए ABCD के समांतर तब होगा, देखिए ये भुजा AB, ये भुजा जो है AB हो गई AB और ये CD। देखिए ये तब होगा जैसे ये विकर्ण ऐसे जा रहा है, ये विकर्ण ऐसे जा रहा है, ये तब होगा जब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हम कर दें। भाई अगर मैं कह दूं ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया तो हम इससे कह सकते हैं कि भुजा AB जो होगी वो समांतर हो जाएगी CD के, क्योंकि आप जानते हैं ये कौन से होते हैं एकांतर कोण। भाई ये हो रहा, भाई ये दो भुजा जा रही है और ये त्रिज्या रेखा काट रही है, तो इसका एक और बना कोण जो है ये कोण इस कोण के बराबर अगर होता है तो इसको एकांतर कोण कहते हैं, तभी होता है जब भुजा ये वाली भुजा AB जो समांतर हो CD के, ये आप जानते हैं ठीक है। तो यहां से अब हमें पता लग गया है कि हम कहेंगे AB, इसलिए AB बराबर CD ब्रैकेट में क्या CPCT से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इसलिए AB भुजा CD के बराबर है। साथ ही अब ये कोण बराबर कर लीजिए, कोण OAB
कोण ओ ए बी बराबर होगा ये कोण इस वाले कोण के बराबर, कोण ओ सी डी के, कोण ओ सी डी। और ब्रैकेट में क्या हुआ, तो ये सी पी सी टी से ना, सी पी सी टी सर्वांगसम, ये सी पी सी टी से, क्योंकि हमने संगत भागों के भागों को बराबर कर रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों के। फिर साथ ही कोण ओ बी ए, ओ बी ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा ये कोण किसके, इस वाले कोण के बराबर, कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी, ओ डी सी ब्रैकेट में सी पी सी टी से। अब इसको समीकरण आप एक कह दीजिए, पहले इसको देख लीजिए, इसको एक कह दीजिए, इसको दो कह दीजिए और इसको तीन कह दीजिए। अब हमें यहाँ पे एक बात पहले ये करनी होगी, क्योंकि अभी हमें समांतर नहीं बताया कि ए बी समांतर है सी डी के। अब हम कहेंगे कि ये समीकरण दो से, समीकरण दो से कौन, क्योंकि समीकरण दो से क्या हुआ, कौन ओ ए बी बराबर है कौन ओ सी डी के, और जो कि क्या है, जो कि फिर लिखना, जो कि एकांतर कौन है, एकांतर कौन है, और साथ साथ ये भी कह सकते हैं इसमें ये एकांतर कौन हो गए, और इसीलिए जो ये ए बी हो गई वो समांतर हो गई किसके, सी डी के। ये देखिए ए बी समांतर हो गई सी डी के। अब लेकिन अगर हमने ये वाला लिया, अब ये वाला कोण की अगर हम बात करें, ये इसको इससे इससे भी यही होता है कि भाई ये भुजा जो होगी आपकी, ये कोई सा भी एक को ले लेते हैं हम, जो है कोई नहीं, ये ले लो या फिर ये वाला ले लो जो है। अब इससे पता लग गया समीकरण दो से ए बी जो होगी समांतर होगी सी डी के। अब अच्छा, अब हम कह सकते हैं एक और दो से, एक से और सॉरी ये वाला चार से, तो समीकरण एक व चार से, समीकरण एक व चार से क्या क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा सी डी के, वह ए बी समांतर आ गया सी डी के, इतना आ गया ए बी बराबर सी डी और ए बी समांतर सी डी आ गया। अब ये तो हो गया इस भाग से, अगर मैं अब इन दोनों त्रिभुजों को ले लेता, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सिमिलरली इसी प्रकार, तो यहां से क्या आ जाता, यहां से ए डी बराबर बी सी भी आ जाता, इसी प्रकार आप करके भी दिखा सकते हो, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, आप करके भी दिखा सकते हो। इसी प्रकार ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी व ए डी समांतर बी सी, इसको हमने चार कही थी, इसको पांच कह दीजिए, इसको छह कह दीजिए, और पांच और छह से आप कह सकते हो समीकरण पांच वे छः से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए ए बी को सी डी के बराबर और समांतर भी होना चाहिए, ए डी को बी सी के बराबर और ए डी समांतर बी सी होनी चाहिए, जो कि हमने सिद्ध करके दिखा दिया। इससे हमें पता लगे 8.8 को स्टार्ट करते हैं, इसमें कहा है कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। मतलब आपको ये दिया हुआ है कि अगर एक मतलब चतुर्भुज में इसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर भी है और समांतर भी है, तो हमें उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो हम एक चतुर्भुज को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ये, और इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, बी सी डी। अब उसने कहा सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है और समांतर है, मतलब हमने ले लिया ए बी बराबर है सी डी के और ए बी समांतर है सी डी के, तब हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी बराबर है सी डी के और ए बी समांतर है
सीडी के, इतना ही दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए, ये सम ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। प्रूफ देखिए, प्रमाण देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए भाई हमें पता है कि ए बी बराबर सी डी और ए बी समांतर सी डी तो है ही। अगर मैं ए डी को बी सी के समांतर और बराबर सिद्ध कर दूं, भाई ए डी बराबर बी सी भी सिद्ध बता दूं और ए डी बी सी के समांतर सिद्ध कर दूं, तो मेरा ए बी सी डी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब आपको दो ही काम करने हैं इसमें, कि ए डी को बी सी के बराबर लेके आना है और ए डी को समांतर लाना है बी सी के। अब इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें जो है हम सबसे पहले एक विकर्ण रचना कर लेंगे, एक विकर्ण ए सी खींच लेंगे। अब ए सी खींचने से होगा क्या कि ए बी सी डी के बराबर हो गई, साथ ही क्योंकि ये समांतर भी है इसलिए ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि समांतर भुजा दो समांतर भुजा एक दीर्घ रेखा ने काटा, तो ये कोण इस कोण के बराबर मतलब एकांतर कोण हो गए। साथ ही ए सी बराबर क्या होगा, ए सी के उभयनिष्ठ हो जाएगी, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं। सर्वांगसम होने से क्या होगा, हम इनके संगत भागों को बराबर कर लेंगे, जिसमें हम ये भाग इस भाग के बराबर कर लेंगे, AD बराबर BC। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद समांतर सिद्ध करने के लिए भाई AD को भी बराबर तो कर दिया, लेकिन समांतर सिद्ध करने के लिए हमें दूसरा विकर्ण BD खींचना होगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज A, सबसे पहले यहां पे रचना लिख लेते हैं, रचना, रचना में हमने विकर्ण AC खींचा, विकर्ण AC खींचा, बस इतना ही है। और फिर अपना प्रमाण जो प्रूफ में देखिए, अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में, ए बी बराबर किसके, सी डी की, क्योंकि हमें एस एस लगाना है, तो ए बी बराबर सी डी के कह देते हैं, ए बी बराबर सी डी, कारण दिया हुआ है, दिया है। कौन कौन सा बराबर होगा, कौन बी ए सी, कौन बी ए सी बराबर कौन डी सी ए, डी सी ए ब्रैकेट में इसका कारण क्या हुआ, एकांतर कौन। फिर उसके बाद क्या होगा, ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ, ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ, कॉमन है ना दोनों के दोनों, इसीलिए आप कह सकते हो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के, और इसका कारण हुआ एस ए एस, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। अब हम इसके संगत भाग बराबर कर लेंगे, इसीलिए AD के पहले कौन सा त्रिभुज कौन सा ले रखा, ABC, तो ABC में कौन सी आती है, BC भुजा आती है, तो इसीलिए BC बराबर हो जाएगी AD के, और ब्रैकेट में CPCT से, CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपके बराबर हो गए BC बराबर AD। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, और अब फिर से रचना करते हैं, रचना, रचना क्या करेंगे, अब हम विकर्ण BD खींचा, विकर्ण BD खींचा। अब आप इसमें या तो भाई इसी में ही समझ लियो, या फिर इसमें हम क्या करते हैं, एक अलग त्रिभुज मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखिए इसको हम एक बार मिटो लेते हैं, देखिए इसको मिटो दिया हमने AC को, क्योंकि अब AC वाले का काम नहीं है, आप बना भी रहने दे सकते हैं, वो समझने के लिए बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझना भी इसी से ही है। हमने विकर्ण BD खींचा, जैसे अब दो त्रिभुज बन गए, उसको अगर रहने दे दीजिए ऐसे ऐसे करके, आप रहने दीजिए चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम इन इस त्रिभुज को ले लेते हैं, मतलब त्रिभुज ए बी डी जो है, देखिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में,
अब इन दोनों त्रिभुजों को देखना है अब आपको। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई ADBC के कहां से, समीकरण एक से, और AB जो है CD के बराबर है ही दिया हुआ है, साथ साथ BD बराबर BD उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो ये कर लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि AB बराबर CD, AB बराबर है CD के और कारण दिया है, फिर ये AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये क्या होगा समीकरण एक से, समीकरण एक से। तीसरा क्या होगा, BD बराबर हो जाएगी BD के और ब्रैकेट में उभयनिष्ठ, और फिर आप कह सकते हो इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गए त्रिभुज CDB के, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के, और कारण SSS, SSS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता तो हमने इनको सर्वांग समता नियम से इसको क्या कर दिया, ये सर्वांगसम हो गए SSS सर्वांगसम नियम से। अब हम इनके संगत भाग बराबर करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देते हैं इसका ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर, मतलब त्रिभुज ABD में तो ये वाला कोण, मतलब कोण जो है ADB, इसीलिए कोण ADB बराबर होगा कोण किसके, इस वाले त्रिभुज में कौन CBD के, कौन CBD के, और ब्रैकेट में कर देंगे CPCT से, ये क्योंकि हमने संगत कोणों के संगत भाग बराबर कर दिए ना दोनों त्रिभुजों में, तो CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हमने ये दोनों भाग बराबर कर दीजिए, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर कर दिया, और इसको हम कह लेते हैं, इसको भी कह देते हैं समीकरण एक, इसको कहा था, इसको समीकरण हमने कह दिया दो। देखिए इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, अगर मैंने इन दोनों कोणों को बराबर किया उससे फायदा क्या होगा, ये कोण किस पे बन रहा है, देखिए ये कोण बन रहा है AD के साथ, यहाँ पे AD भुजा, इसी तरह से ये कोण BC के साथ बन रहा है, और इनको बना कैसे रहे, ये जब भुजा ये विकर्ण BD काटता है ऐसे, ये देखिए अब यहाँ नाम दे दीजिए, पहले आप देखिए यहाँ पे नाम क्या होगा, यहाँ पे जो है ये क्या पॉइंट है, बिंदु आपका B है, और ये क्या है आपका D हो गया, इसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A है A, और यहाँ C। अब देखिए कौन कौन से बन रहे हैं, ये कौन जो है इस कौन के बराबर, आप जानते हैं दो भुजा है AD और BC, जब इसको एक तिर्यक रेखा काटे, जब इसको एक तिर्यक रेखा काटे, अगर ये कौन बराबर होते हैं, ये कौन कब बराबर होते हैं, जब ये दोनों भुजा समांतर हो, तो इस बात से आपको ये पता लग गया कि अगर ये कौन बराबर हो रहे हैं तो इसलिए AD बराबर के समांतर हो गई किसके, BC के। आप जानते हैं ना कि भाई दो भुजा अगर समांतर है, एक तिर्यक रेखा काटती हैं, तो ये जो कौन क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये एकांतर कौन होते हैं। तो अब क्या होगा, अगर इसका उल्टा सोचो कि ये दो भुजाएं तिर्यक रेखा काट रही है, अगर ये कौन बराबर होते होंगे, ये कब होंगे, जब ये दोनों भुजा समांतर होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर ये बराबर इसके है, तो समीकरण दो से, समीकरण दो से क्या, कौन ADB बराबर, कौन ADB बराबर कौन CBD के, CBD के, इसीलिए हम कह सकते हैं कि AD जो होगी, AD समांतर होगी BC के, BC के, ठीक है, और AD किसके बराबर आ गई थी, BC के। समीकरण एक दो, इसको समीकरण तीन कह दीजिए, और अब हम कह सकते हैं एक और तीन से, समीकरण एक व तीन से AD बराबर BC व AD समांतर BC, AD BC के बराबर भी होगी और AD BC के समांतर भी होगी, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाओं का योग,
वो बराबर भी होता है और समांतर भी होता है। अब एक भुजा का युग्मन बराबर और समांतर तो उन्होंने दिया था और दूसरी भुजा का हमने बराबर और समांतर सिद्ध कर दिया, और इन्हीं दोनों बातों से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें कोई भी डाउट, स्टार्ट करते हैं हम परमे 8.9 को। इसमें कहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इस परमे को सिद्ध करना है, इसके लिए हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया आपका, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी सी। फिर उन्होंने क्या कहा, हमें यह भी दिया है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। इसका मतलब दो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं, तो हम ये दो भुजा ले लेते हैं कि जैसे कि इसकी इसका मध्य बिंदु ये ले लिया हमने और इसका मध्य बिंदु हमने ये ले लिया, तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड इसको हम मिला देंगे जो है, ये देखिए इसको मिला दिया, तो ए बी सी हो गया था, ये डी हो गया, ये ई हो गया। मतलब ए बी भुजा का मध्य बिंदु ई हो गया और ए सी भुजा का मध्य बिंदु डी हो गया, और उनको मिलाने वाले रेखाखंड की बात करी थी तो उनको मिला भी दिया, ई वे डी को आपस में मिला दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो ई डी है, ये जो ई डी है ये समांतर होगा तीसरी भुजा के, भाई दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर। मतलब ये जो ई डी, ये मिलाने वाला रेखाखंड क्या हुआ, ई डी हुआ, और तीसरी भुजा क्या होगी त्रिभुज की, ए बी बी सी, मतलब ए सी और बी सी। अब ए बी और बी सी का, ए सी का तो हम मध्य बिंदु लिए थे, तो तीसरी भुजा क्या होगी, बी सी हो गई, तो किसके समांतर होगा, बी सी के हो गया, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु ई था और ए डी ए सी का मध्य बिंदु डी था, जिनको हमने मिलाया जिससे रेखाखंड मिला ई डी, और ये समांतर होगा तीसरी भुजा के, जो कि तीसरी भुजा का है बी सी, तो ई डी समांतर बी सी, ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए हमें सिद्ध करने के लिए एक रचना कर लेंगे जिससे आसान हो जाएगा। इसमें करेंगे कि हम रचना में कि ये जो भुजा बी ए है, मतलब ए बी, या इसको इस तरीके से लेके चलें तो ये बी ए, तो इसी के समांतर हम एक रेखा यहाँ से खींच लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक इसी के समांतर खींची, ये देखिए हम ऐसे खींच लेते हैं सी, और उसको हम नाम दे देते हैं एम, मतलब बी ए समांतर सी एम खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो ई डी है, ये जो ई डी है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, और ये भी जो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये कहाँ पे काटेगा, इसको हम कोई भी भाई ई तक दे देते नाम, तो हम इसको एफ नाम दे देते हैं, इतना इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जिसके बाद जो है आराम से आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें दिया क्या है, दिया है आपको किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, भाई एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, वह भुजा जो ए बी है, भुजा ए बी व भुजा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, ई व डी हैं, ई व डी हैं, इतना ही तो दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ए बी का ई हो गया, ए सी का डी हो गया, ये दिया हुआ है। फिर सिद्ध करना है हमें ये ई डी समांतर बी सी, ई डी समांतर बी सी। और अब इससे पहले हम एक रचना कर लेते हैं, वो रचना पहले लिखेंगे फिर प्रूफ करेंगे। रचना में देखिए, ई वे डी को मिला है ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो मिलाने की तो बात उन्होंने कही थी, रेखाखंड जो है भाई ये जो बी ई डी होगा समांतर बी सी के, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि बी ए समांतर बी ए समांतर सी एम खींचा, तथा ई वे डी को ई डी को आगे बढ़ाया, जो सी एम को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, जो सी एम को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, करती है। इतना आपको यहां पे जो है रचना में लिख लेना है। फिर हम देखते हैं प्रमाण प्रूफ। देखिए
इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको समांतर सिद्ध करना है, AD को समांतर सिद्ध करना है BC के। तो अगर मैं क्या करूंगा इसमें, देखिए BA समांतर CM हो गया कि BA जो है ये समांतर है CM के, ठीक है। अब ये समांतर हो गई, हम इन दो त्रिभुजों को ले लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैं सर्वांगसम सिद्ध कर देता हूँ, देखिए कैसे हो जाएंगे कि ये कौन क्या होंगे आपके, शीर्षाभिमुख कौन हो जाएंगे आपके, साथ ही आपका होगा क्या इसमें, ये देखिए AD बराबर DC, क्योंकि D क्या था, भुजा AC का मध्य बिंदु। तो ये कौन भी हो गया, एक भुजा भी होगी और आपका जो है ये कौन, क्योंकि हमने क्या था BA समांतर कहा था CM के। तो आपको पता है दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा काटती हो, जैसे BA था BA समांतर CM और तिर्यक रेखा ने ऐसे काटा, तो तिर्यक रेखा को काटने से ये जो कोण बनेंगे आपका, मतलब ये कोण, ये कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको इतना। तो ये जब दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे, इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि अब हम इनके जो संगत भाग है, क्योंकि इसका संगत भाग ये, इसका संगत भाग ये, इनको हम आपस में बराबर कर लेंगे, जिसके कारण अब ये भुजा समांतर तो थी, ठीक है, यहाँ से ये बराबर भी आ जाएगी, मतलब कि इस वाले त्रिभुज का, जिससे हमारा बी सी एफ ई जो है ये हमारा एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, और जब ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा तो ये भुजा इस भुजा के समांतर भी आ जाएगी। बस इतना ही हमें काम करना है और यही हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इसमें ये ले लेते हैं त्रिभुज ए, ये ए डी ई व त्रिभुज सी एफ डी में, ठीक है, त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी व त्रिभुज सी एफ डी में। तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे इस कोण को इस कोण के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि कोण भुजा कोण वाले यहाँ पे सर्वांग समता नियम लगेगा। तो कोण क्या होगा, कोण डी ए ई, कोण डी ए ई बराबर होगा कोण डी सी एफ, डी सी एफ, क्यों, क्योंकि बी ए, बी ए जो है समांतर है सी एम के, चूंकि बी ए समांतर है सी एम के, या कह दो क्योंकि बी ए की जगह क्या हो जाएगा, अब यहाँ ई ए इस तरीके से कह देंगे ना, जिससे ये वाला कोण जो है इस वाले को उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बी ए समांतर सी एम कह देते हैं हम यहाँ पे। फिर उसके बाद ये वाला कोण हो गया, अब भुजा बराबर कर देते हैं, ए डी बराबर किसके होगी, ए डी बराबर होगी सी डी के, चूंकि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। फिर उसके बाद क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ये कोण ए डी ई बराबर, ए डी ई बराबर कोण सी डी एफ, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए ई डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी एफ डी के, और ये कोण भुजा कोण मतलब ए एस ए नियम से, सर्वांग समता नियम से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो संगत भाग होंगे वो बराबर कर देंगे, संगत भाग में बराबर कर देते हैं, ए ई को बराबर कर देते हैं सी एफ के, देखिए क्योंकि ए ई सी एफ अभी बराबर नहीं थे, तो इसलिए हम यहाँ से इसको बराबर कर देते हैं, ए ई बराबर कह देते हैं सी एफ के और सी पी सी टी से, क्योंकि सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, मतलब संगत भाग होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट संगत भाग होते हैं, ठीक है। तो ए ई बराबर हमने कर दिया सी एफ के। अब हम क्या जानते हैं, देखिए ए ई बराबर तो सी एफ की हमने, सी एफ चूंकि ए ई किसके बराबर है, ए ई बी ई के बराबर है, बराबर है बी ई के, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए ई बी ई के बराबर है, तो बी ई, इसलिए हम कह सकते हैं इसको समीकरण आप कह दीजिए एक और इसको समीकरण कह दीजिए दो, इसलिए समीकरण एक व दो से, एक व दो से बी ई बराबर सी एफ, ठीक है। तो पता लग गया, देखिए ए ई बराबर सी एफ तो हमने संगत भाग बराबर करे इसलिए आया है, अब ए ई बी ई के बराबर इसलिए है क्योंकि ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए ए ई बराबर बी ई आया। अब आपको इन दोनों समीकरण को देखना है, ए ई सी एफ के बराबर है, ए ई बी ई के बराबर है, इसलिए बी ई बराबर किसके हो गया, सी एफ के, बी ई सी एफ के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको समीकरण एक दो, समीकरण इसको तीन कह देते हैं। अब आप एक बात तो जानते हैं कि हमने रचना से क्या क्या करा था, चूंकि बी ए समांतर है सी एम के,
ब्रैकेट में किससे, रचना से हुआ था, हमने रचना से इसको खींच दिया था, BA को समांतर खींच दिया CM के। अब BA समांतर CM, इसका मतलब ये भी तो क्या कि BA का मतलब क्या होगा, जब ये समांतर की अगर हम बात करें तो BE जो होगा वो समांतर किसके होगा, CF के। एक ही बात है इसका भी मतलब, भाई दो भुजा अगर ऐसे समांतर जा रही है तो उसका इतना पार्ट भी जो होगा, अगर इतना पार्ट लो तो वो भी तो क्या होगा, समांतर ही तो होगा उसके। तो हम यहाँ पे इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए BA का पार्ट क्या होगा, BE जो होगा, BE उसका कुछ भाग जो होगा वो भी समांतर होगा किसके, CF के, CF। ठीक है, अब इसको समीकरण चार कह दीजिए। देखिए BE CF के बराबर भी आ गया और BE CF के समांतर भी आ गया। तो हमने यहाँ पे कह सकते हैं समीकरण तीन व चार से, तीन व चार से क्या कि BE बराबर CF तथा BE समांतर CF। और आप जानते हैं प्रमेय 8.8 से हमने अभी बताया था कि अगर किसी चतुर्भुज में जो है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है अगर बराबर और समांतर है तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इतना हो गया BE बराबर CF और BE समांतर CF। तो प्रमेय 8.8 से क्या BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब BEFC, देखिए जब ये BEFC एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान और समांतर होती है। ठीक है, इसी से हमने करा था। अब एक युग्म अगर एक युग्म के कारण है ना भाई, एक युग्म हमारा बराबर समांतर रह रहा था और प्रमेय 8.8 यही कहती है कि अगर सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर समांतर है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अब चूंकि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, तो इसीलिए आप कह सकते हो EF समांतर BC, EF समांतर BC, या अब EF को हम क्या कह सकते हैं भाई, EF को हम ये भी तो कह सकते हैं ED, भाई EF या ED, तो ED समांतर BC, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ED समांतर BC जो आ गया, तो यही आपको सिद्ध करना था कि ED जो है समांतर है BC के, यही सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूफ करते हैं हम प्रमेय 8.10, इसमें क्या कहा है कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आइए इसको समझ लेते हैं कि एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, ये आपका त्रिभुज हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। उसने कहा कि अब इस त्रिभुज में एक भुजा उसका मध्य बिंदु, तो ए भी ले लेते हैं और उसका मध्य बिंदु ये हो गया आपका। ठीक है, अब इससे खींची गई रेखा, इससे खींची गई रेखा किसके, दूसरी भुजा के समांतर। अब एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, सपोज करो इससे हमने दूसरी भुजा BC के समांतर रेखा खींच दी हमने ऐसे, तो वो क्या करे, वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित, तीसरी भुजा देखो, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, एक भुजा का क्या कहा उसने, एक भुजा का मध्य बिंदु, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इससे क्या करा, दूसरी भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा के क्या हो गए, दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, BC के समांतर खींची गई रेखा जो होगी वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांटती है। नाम दे लेते हैं पहले इस त्रिभुज को, ABC हो गया, इसको D नाम दे दिया, इसको E नाम दे दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसमें एक रचना कर लेंगे हम यहां से जो है एक BA के समांतर एक रेखा CM खींच देते हैं, इससे आसान हो जाएगा सोल्व करना। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज ABC जिसमें AB का मध्य बिंदु है, ये दिया है, और साथ ही आपको क्या दिया है, क्योंकि उसने कहा ना इससे खींची गई रेखा जो है दूसरी भुजा के समांतर, मतलब ED समांतर BC भी दिया हुआ है, तथा ED समांतर BC दिया हुआ है,
इतना दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है कि ये जो भुजा होगी ना AD, ये क्या करती है, तीसरी भुजा मतलब AC को सम डिवाइड करती है, समान दो भागों में बांटती है, मतलब AD बराबर CD, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें हमने रचना क्या की, BA समांतर CM खींचा, बस ये खींच लिया और साथ ही हमने AD को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, जो CM को F पर प्रतिच्छेद करती है, तथा AD को आगे बढ़ाया जो CM को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, करती है, ये हमने रचना की है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं BA जो है समांतर CM, चूंकि BA समांतर CM है, कैसे, रचना से, तो ब्रैकेट में इसका कारण रचना से। अब आप देखिए BA अगर CM के समांतर है, BA समांतर है CM, तो ये जो BE होगी ये भी तो CF के समांतर होगी, मतलब BE, इसीलिए BE समांतर CF। देखिए सीधी सी बात है, अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो इस भुजा का ये वाला भाग होगा वो इस भुजा के इस भाग के समांतर होगा, भाई दो भुजा, ठीक है ना, कोई भी छोटा सा पार्ट, कोई भी किसी इस भुजा का जो पार्ट होगा वो इस भुजा के अलग वाले पार्ट के बराबर होगा, समांतर होगा, सॉरी बराबर नहीं समांतर होगा। तो हमने इसको इसके, क्योंकि BA पूरी समांतर थी CM के, इसलिए इसका पार्ट जो है BE वो भी समांतर होगा CF के, इतनी बात हो गई, इसको समीकरण एक कह दीजिए। फिर उसके बाद हम जानते हैं ये दिया हुआ था AD समांतर BC, चूँकि AD समांतर है किसके, BC के, देखिए BC पूरा ये है और AD ये है, अगर मैं AD को, भाई AD अगर BC के समांतर है, क्योंकि हमने AD को आगे बढ़ाकर F तक मिला देता, तो हम क्या कहेंगे, जो पूरा EF होगा वो भी तो BC के समांतर होगा, ठीक है, तो AD समांतर BC, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, कारण जरूर बताना है आपको, दिया है इसीलिए EF समांतर होगा BC के, समीकरण दो। और समीकरण एक व दो से देखिए, अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में समांतर हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। देखिए BC समांतर हो गई EF के, ये हो गया समीकरण दो में, और BE समांतर होगी CF के, जो समीकरण एक में कहा, तो एक और दो से हम कह सकते हैं BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो इसलिए BE बराबर क्या होगा, CF के होगा, इसीलिए BE बराबर CF होगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने BE को ही CF के बराबर क्यों किया, क्यों किया, इसका कारण ये है, क्योंकि आगे काम इसलिए आने वाला है, क्योंकि हमें बराबर किसको करना है, देखिए हमें AD बराबर DC लाना है। अब AD बराबर DC, AD और DC किन त्रिभुजों में आते हैं, इन दो त्रिभुजों में आते हैं, त्रिभुज AED और त्रिभुज आपका CFD, इनमें आते हैं। अब इन दो त्रिभुजों को अगर मैं सर्वांगसम सिद्ध करूंगा तब इसका काम आएगा, क्यों, देखिए BE बराबर CF के ले लिया हमने, कहाँ से आया BE बराबर CF की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। फिर हमने क्या किया, चूंकि दिया है AE, क्योंकि E मध्य बिंदु था, तो AE बराबर क्या था, BE के, चूंकि दिया है AE बराबर है BE के। अब BE किसके बराबर है, CF के बराबर है, इसको समीकरण एक दो, इसको समीकरण तीन कह दीजिए आप, ठीक है, तो AE को तो जो का तो रखते हैं और BE की जगह क्या ले लेते हैं, CF ले लेते हैं, ठीक है, तो BE बराबर CF, ये क्या हुआ है समीकरण तीन से
ए ई बराबर सी एफ, क्योंकि जब हम ये दो त्रिभुजों को लेते हैं, इनको सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, तभी तो बराबर करेंगे ए डी बराबर सी डी के, संगत भाग बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये इसको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए एक पार्ट कम पड़ रहा था, देखिए, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है। बी ए समांतर थी सी एम के, जिसके कारण ये जो कोण होता है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्या, कौन सा कोण? एकांतर कोण बोलते हैं। अब कोण और कोण एक भुजा बराबर करनी थी, कौन सी भुजा बराबर करता नहीं थी कोई, तो यहाँ से ए ई बराबर क्या आ गया, अब सी एफ आ गया, ए ई बराबर सी एफ, इसको समीकरण चार कह दीजिए, ठीक है, समीकरण चार कह दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो त्रिभुजों को ले लेते हैं और बस वहाँ से सिद्ध हो जाएगा, त्रिभुज ए ई डी, ए ई डी व त्रिभुज सी एफ डी में कौन पहले, कौन ई ए डी, ई ए डी बराबर है कौन एफ सी डी, एफ सी डी ये कौन से कौन हो गए आपके, ये कौन हो गए आपके एकांतर कौन, एकांतर कौन। फिर उसके बाद ए ई बराबर सी एफ, ए ई बराबर सी एफ, समीकरण चार से, क्योंकि हम अभी हमने सिद्ध किया है, तो ये क्या होगा, समीकरण चार से। फिर एक कौन रह गया, ये कौन ए डी ई, कौन ए डी ई बराबर है कौन सी डी एफ, सी डी एफ कौन सा कौन होंगे, शीर्षाभिमुख कौन, शीर्षाभिमुख कौन। उसके बाद क्या होगा, इसीलिए आप कह सकते हो त्रिभुज ए ई डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी एफ डी के, कौन भुजा कौन ए एस ए सर्वांगसमता नियम से, ए एस ए सर्वांगसमता नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग क्या कर देंगे, ए डी बराबर सी डी, इसीलिए ए डी बराबर सी डी, सी पी सी टी से। और यही सिद्ध करना था हमें, ए डी बराबर सी डी की खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अतः ई डी ए सी को, भुजा ए सी को, भुजा ए सी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, हैंस प्रूफ। यही सिद्ध करना था कि ए डी बराबर डी सी। आपको हमेशा जैसे जो भी सिद्ध करना हो, जैसे हमें सिद्ध करना था इसमें ए डी बराबर डी सी, तो हमें वहीं पे आसपास देखना होता है कि हम क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ए डी बराबर सी डी करने के लिए अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दूँ, सर्वांगसम सिद्ध कर दूँ, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी, तो उस प्रॉपर्टी में क्या था, हमारी भुजा की कमी पड़ रही थी कि अगर मैं एक भुजा को इस भुजा के बराबर कर दूँ, तो अब क्या करना पड़ा, इस भुजा को इस भुजा को बराबर करने के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं इस चतुर्भुज को सर्वांग उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देता हूँ, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, लेकिन ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, तो इसके कारण ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, इससे हमने सिद्ध कर दिया। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।